सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम श्रीराम डाल्टन है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और 2002 से यहाँ मुंबई में फिल्मों में मैं काम करता रहा और कुछ फिल्में बनाई हैं। अभी और कुछ नए काम करने जा रहा हूँ। श्रीराम दादा साहब, आपसे जानना चाहेंगे, सर आपका नाम श्री राम कुमार है जैसे हमने पता किया, और सर लेकिन डाल्टन का कहाँ से आ गया, डाल्टन क्या है? ये हाँ, आपने ठीक कहा, मेरा नाम श्रीराम कुमार है लेकिन मुंबई ने मुझे ये नाम दिया है। इनफैक्ट मिस्टर अशोक मेहता जो मेरे गुरु जी रहे हैं, उनका दिया हुआ नाम है ये। तो इसके साथ एक सुंदर एक वाक्या है, मैं उनको असिस्ट करता था और मेरे कलीग्स उनके देखा देखी मुझे चाचू मुझे मिस्टर अशोक मेहता मुझे रामलाल के नाम से पुकारते थे सेट पे, रामलाल रामलाल ये लेकर के आओ, रामलाल वो लेकर के आओ। मैं भागता रहता था अपने साथी जितेंद्र के साथ। तो मुझे मैं देखता मुझे बाकी टीम मेंबर से मुझे रामलाल रामलाल हाँ पुकारना शुरू कर दिए थे। तो मैंने एक दिन मैं थोड़ा परेशान था, मैंने चाचू को बोला कि चाचू मेरा नाम ये लोग सब रामलाल बुला रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ कितना अच्छा तो नाम है, क्या प्रॉब्लम है? चाचू पर मेरा नाम ये है नहीं, हाँ श्री रामलाल कितना बढ़िया है। कि मेरा चाचू मेरा नाम श्रीराम है और श्रीराम के साथ कुमार कैसा लगेगा? हाँ तो हाँ टाइगर आदमी और श्रीराम के साथ कुमार। तो फिर बैठ करके उन्होंने हाँ कैसे पता क्या रखना चाहता है, तो कई तरह की बातें हुई। उसमें एक बात निकल के आया कि मैं डाल्टनज का रहने वाला हूँ, तो वहाँ से डाल्टन है जो हाँ डाल्टन श्रीराम डाल्टन ऐसा एक कॉम्बिनेशन सर ने सुझाया, अच्छा तो लग रहा है हाँ हिंदी इंग्लिश तो, और ठीक था, मुझे भी अच्छा लगा। कि एक जो एक समस्या थी कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो झारखंड के, झारखंड में कहाँ डाल्टनज के, डाल्टनज कहाँ है? तो मैंने वो चैप्टर ही क्लोज़ कर दिया कि श्रीराम डाल्टन, ढूंढते रहो भाई वो डाल्टन क्या है और डाल्टनगंज क्या है और डाल्टनगंज कहाँ है। तो बात करते हैं आपके काम के बारे में सर, एक डाल्टन जाना, वहाँ से आकर बम्बई आना, बम्बई में आपने अशोक को असिस्ट किया, कैमरे में असिस्ट किया, फिर आप पर्सनली मूर्तिकार भी हैं जब मैंने सुना है और जहाँ तक पता है मूर्तिकार भी हैं, फिर मूर्तिकार से कैमरा आर्ट कला गया है, फिर कैमरा से आप सर डायरेक्टर की क्या सोच बनी आपकी? अब जैसे झारखंड में मैं मेरा 10th 12th का पढ़ाई हुआ, उसके बाद जब मैं निकला तो अब बेसिकली मैं एक लाइफ के एक फेज से मैं गुजर रहा था जहाँ पे बच्चों के दिमाग में एक सवाल होता है कि हाँ क्या करना है लाइफ में, आगे क्या करना है। तो इन सवालों से मैं भी जूझ रहा था, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरा ये आर्ट का जो एक पक्ष है, कलात्मक जो पक्ष है, उसको मेरे पिताजी ने जाना समझा और मुझे दरअसल गाइड किया कि मैं अपने इस पार्ट पे काम करूं, और मुझे BHU लेकर के आया और वहाँ पे मैंने फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया। तो फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया तो पेंटिंग और स्कल्पचर, ये दो चीज़ों में मैंने लंबा काम किया, पर मेरा बाद का स्पेशलाइजेशन रहा कॉमर्शियल आर्ट, अप्लाइड आर्ट। तो अप्लाइड आर्ट में करने के दौरान वो बेसिकली एडवर्टाइजिंग और चीज़ों को डिज़ाइन करना और मार्केटिंग करना, उस लिहाज से चीज़ों को सोचना, तो वो हमारा स्पेशलाइजेशन था। तो काम उस पर कर रहे थे और इस बीच फोटोग्राफी की लत लगी मुझे, क्योंकि कॉमर्शियल आर्ट में आकर के पेंटिंग और स्कल्पचर से थोड़ी दूरी बनी तो एक छटपटाहट भी रहा कि अरे यार कहीं हाँ ये एडवर्टाइजिंग और इन सब चीज़ों के चक्कर में कहीं वो कलात्मक पक्ष छूट ना जाए।
तो अब क्लास में पेंटिंग और स्कल्पचर का मौका तो नहीं मिलता था, लेकिन फोटोग्राफी एक ऐसा मीडियम था जहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन मैं ढूंढता था अपने फ्रेम में, कॉम्पोजिशन में, ग्राफिक कॉम्पोजिशन में, कलर्स में। तो अब वही लगता था कि चीज़ें जो अवेलेबल है उसको रिक्रिएट करने की क्या ज़रूरत है, जो है उसको कैच करने की ज़रूरत है। दुनिया में इतनी चीज़ें उपलब्ध हैं, उसमें से बेस्ट हम अपन क्या कंपोज कर सकते हैं, बेस्ट टुकड़ा क्या काट के निकाल सकते हैं। तो वो एक प्रैक्टिस हमारी रही, और ये प्रैक्टिस जो है एक ये भूख है जो बहुत आगे की तरफ लेकर के गया। शुरू में तो अब जो भी फोटोग्राफी हम करते थे उसका एग्जीबिशंस वगैरह किया करते थे, तो आर्ट गैलरीज वगैरह में हम एग्जीबिशंस वगैरह किया करते थे। तो उसमें बहुत सारे क्रिटिक्स, आर्ट लवर और जर्नलिस्ट वगैरह सब लोग उसमें अपनी बात रखते थे, लोगों को पसंद आता था। लेकिन वो भूख और बढ़ती ही गई, वो एक सिंगल फ्रेम क्लिक करने से बात आगे वो जो एक भूख बढ़ी, वो एक ही जगह पे एक फ्रेम में कई सारा क्लिक करना, ये इस तरह का एक हैबिट बना। कहीं कुछ देखने में अच्छा लगता, लगता अरे उसका पूरा मूवमेंट अच्छा है, पूरा मोशन उसका अच्छा है, तो उस मोशन को खड़े खड़े हमारे पास, हम तो पहले एक रील में 36 क्लिक हम कर सकते थे, तो खड़े खड़े ही हम सब क्लिक कर दिया करते थे। तो वो एक नेचुरल टेंडेंसी और नेचुरल एक रिक्वायरमेंट बनी कि नहीं, अभी मोशन और मूवमेंट है जो खुद को पसंद आ रहा है। तब ये दिमाग में आया कि मतलब अपने को मोशन कैमरा चाहिए और मूवमेंट अपने को दरअसल कैप्चर करना चाहिए। और फिर दिमाग गया कि नहीं, फिल्म, हाँ वो दरअसल फिल्म खींच रहा है। तो वहाँ से मुंबई आए, और मुंबई आए तो उस दौरान मिस्टर अशोक मेहता की फ़िल्म हम लोगों ने देख रखी थी, दो फिल्में बहुत, एक तो बैंडिट क्वीन देखी थी, दूसरी फिल्म मोक्ष। तो बैंडिट क्वीन कंटेंट के लिहाज से और स्टोरी टेलिंग के लिहाज से वो बहुत पावरफुल कहानी लगी थी। तो उसमें मैंने देखा कि इतना ब्यूटीफुल फिल्म, तो शेखर कपूर को तो देखा ही, लेकिन अशोक मेहता को भी देखा। और फिर जब दोबारा दूसरी फिल्म देखने का मौका मिला मोक्ष का, तो मोक्ष में फोटोग्राफी बहुत अच्छी थी, और रियलाइज़ किया कि अच्छा दोनों एक ही कैमरामैन ने काम किया है। तो मुझे लगा कि अच्छा मुझे इनसे लर्न करना है। और फिर एक टारगेट लेकर के मैं मुंबई आया कि मिस्टर अशोक मेहता से मिलना है, उनसे लर्न करना है और उनसे काम सीखना है, फोटोग्राफी सीखनी है। और आ गया मुंबई, उनके पीछे लग गया, फिर उनके साथ मैंने 8 फिल्में की। वो एक लंबी कहानी है, उनको चेज़ करना, उन तक पहुंचना, लेकिन मुझे मौका मिला तो फिर उनके साथ 8 फिल्में की। सुभाष गई की फिल्म किसना से शुरू किया था, बीच में नो एंट्री का भी कुछ शेड्यूल किया, गॉड टू सीग्रेट हो, फैमिली, मैरिडियन एक फ़िल्म की जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, बेवफा एक फ़िल्म आई थी उसके कुछ सीन्स हम लोगों ने किए, तो कई फिल्में हम लोगों ने की। और आपने पूछा कि फिल्म डायरेक्शन की तरफ कैसे, तो कर तो अपन कैमरा रहे थे, और उस समय दिमाग में यही था कि अच्छा सिनेमेटोग्राफी करनी है, तो मतलब दूसरों के लिए कैमरा करना है और हाँ उनकी कहानियों को मूर्त रूप देना है। लेकिन एक दिन अशोक मेहता ने, चाचू ने मुझे बोला कि तुम अपनी कहानियाँ कहो। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि अपनी कहानियाँ कहो मतलब क्या। मैं बोले कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन नहीं तू डायरेक्शन कर और अपनी फिल्म बना। तो मतलब मैं तो हिल गया इस बात से कि कहाँ इतना लंबा स्ट्रगल करके, इतना लंबा पेशेंस रखा, लर्न किया, सीखा, अब जब टाइम आया है कि एज अ सिनेमेटोग्राफर काम करूं और पैसे कमाऊं, तो ये कह रहे हैं कि डायरेक्शन करो। तो मैंने बोला चाचू अभी तो मुझे, अब मैं अपनी फिल्म करना चाहता हूं, मतलब सिनेमेटोग्राफी करना चाहता हूं, थोड़ा पैसे कमाऊंगा, कितना स्ट्रगल करूंगा। तो उन्होंने बोला अरे उसमें क्या है, कैमरा तो मैं तेरे लिए कर दूंगा, तेरे पास अच्छी कहानियाँ हैं, तो अपनी कहानी का। तो ये पर्सपेक्टिव मैंने नहीं सोचा था,
अच्छा चाचू जब मेरे लिए कैमरा कर देंगे तो मैं वाकई अपनी कहानी क्यों ना कहूँ। तो फिर मैंने ब्रेक लिया और मैंने अपने जीवन में क्या चीज़ें हैं, क्या कहानियाँ हैं, हाँ वो सब देखना शुरू किया। तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मेरे पास कहानियाँ हैं और अच्छी कहानियाँ हैं। तो फिर मैंने अपनी कहानी कहने शुरू कर दी। सर बात करते पहले दिन, सर आज सर 20 साल पीछे चले जाएं तो हमारे गांव में जो भी हमारे गली में छोटे थे हम मेले में जाते थे तो आज पहले पे मेकअप में तो आते थे, कोई हनुमान जी बन रहा है, कोई श्री राम जी बन रहे हैं, कोई बंदर बन रहा है, कोई लॉयन बन रहा है, कोई शेर बन रहा है, तो वो पहले पे आते थे, हम लोग देखते खुश होते थे और हमारे जो माँ बाप थे पैसे देते थे जो भी था। तो आप सही कहा जैसे टाइम मर रहे हैं द लॉस्ट बहरूपिया, ये फिल्म बनाने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण बना है वो यही बना है कि जैसे अभी हम लोग के हमारा बचपन जो बीता है, हम मतलब हमारे आँख के सामने रेडियो आया, हमारे आँख के सामने बाइस्कोप, हाँ मोहल्ले में बाइस्कोप वगैरह आया करता था, तो हमारे लिए एंटरटेनमेंट तो वही था। बाद में टेलीविज़न हमारे आँख के सामने आया, फिर कई तरह के सीरियल फिल्में वगैरह, लेकिन हमारा एक दौर भी गुजरा है जब कॉलोनी में बहरूपिया आया करते थे और बहरूपिया आते थे तो सारे बच्चे उसके पीछे जो घूमते भागते रहते थे, कभी गब्बर सिंह बन के आ जाता, कभी वो कृष्ण भगवान बन करके आ जाता, कभी वो राम और हनुमान बन करके आ जाता, कभी महादेव बन करके आ जाता, कभी बाघ कभी चीता, इस तरह का। तो हम लोग सब बच्चों के लिए मतलब वो इंतज़ार होता था, मतलब वो हैपनिंग होता था, मतलब बच्चे तो बच्चे पूरे सबके पेरेंट्स और हर तरह के लोग हैं जो हाँ मतलब वो आते तो ऐसा थोड़ी था कि वो पपेट थे, वो आते तो वो सबको इंगेज कर देते थे, इन्वॉल्व कर देते थे। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट था। और बाद में वो जब बनारस आए और फिर मुंबई आए तो फिर हाँ वो धीरे धीरे वो चीज़ें तो मतलब दिखनी ही बंद हो गई। तो मतलब हमारा बचपन तो ऐसे ही बीता, बहरूपिया को देखते, हाँ वो हमारे लिए मनोरंजन का साधन मतलब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वो फैक्टर था, वो बहुत बड़ी हैपनिंग हुआ करती थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि अब वो दिखते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं तो क्या है। और बहरूपिया इतने कलरफुल और इतनी चीज़ें, इतने कैरेक्टर किरदार वगैरह निभाते हुए तो दिमाग में बैठते तो थे, उस फिल्म के किरदार की तरह वो हमारे जीवन का हिस्सा था। फिर बाद में जब लगा कि बहरूपिया पे काम करना चाहिए तो हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, हाँ ढूंढना शुरू किया कि भाई बहरूपिया हैं कहाँ, हाँ अगर उस पर काम करना है तो जानना तो पड़ेगा कि आज की स्थिति क्या है। तो हमने रियलाइज़ किया कि वो तो कहीं मिल ही नहीं रहे, कहीं नहीं मिल रहा है। फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते फिर वो हाँ राजस्थान में और बहुत कुछ जगहों पे बहुत इक्के दुक्के लोग दिखे, उनसे जब मिलना हुआ बातचीत हुई तो समझ में आया कि तो बहुत बुरी स्थिति में है, बहुत भयंकर गरीबी में, मतलब वो पारंपरिक जो कोई इक्का दुक्का परिवार ही है जो उस पारंपरिक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को अपने मतलब गरीबी होने के बावजूद अपने कंधों पर उसको ढो रहे हैं। और वो दिख रहा है कि मतलब वो एंटरटेनमेंट के जो दूसरे मीडियम हैं और उस पर जो कला का जो दूसरा माध्यम सोसाइटी में इन्वॉल्व हुआ तो उसने ओरिजिनल बहुत सारे आर्ट फॉर्म को उसने मार दिया, और मार दिया तो ये इस कला से जुड़े हुए जो कई परिवार थे और वो सब उनको अपना पेशा बदलना पड़ा। और बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस पर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से। तो ये सब सारी बातें हाँ एक लग रहा था कि नहीं, ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है बहरूपिया कला। तो इस थॉट ने हाँ और इस थॉट ने हम लोगों को बल दिया इस पे फिल्म बनाई जाए, इस पे काम किया जाए। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि ये एक ट्राइब है, अगर एक कला का मरना मतलब उस कला पे निर्भर वो पूरा का पूरा समुदाय का मरना होता है। तो डाइंग आर्ट, हाँ आप कह सकते हैं कि बहरूपिया कला एक डाइंग आर्ट है,
एक ऐसा नोमिड ट्राइब है जो विलुप्त हो रहा है इस कला के साथ। तो इस थॉट ने इस फिल्म पे, इस आइडिया पे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और हम लोगों ने जो समय हम दे सकते थे, जो बेहतर हम कर सकते थे, हमने किया और लोगों को फिल्म पसंद है। तो बात करते हैं फिल्म टीम थंडर की। ये अपने आप में बहुत ही रिवोल्यूशनरी फिल्म है और खासकर फिल्म का नाम स्प्रिंग थंडर। तो आखिर इसमें कहानी क्या है और इस नाम और इस फिल्म के पीछे इस नाम के तो आखिर क्या कहानी इस नाम और फिल्म के पीछे? और स्प्रिंग थंडर फिल्म का नाम पहले यूरेनियम था। तो कहानी जब लिखी थी तो यूरेनियम के नाम से ही कहानी लिखी थी और फिल्म को फिल्म करने के दौरान मेरे एक दोस्त जोसेफ लोना, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि राम इसका नाम स्प्रिंग थंडर रखें क्या। तो स्प्रिंग थंडर नाम तो साउंड अच्छा कर रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ इसका मतलब, तो स्प्रिंग थंडर क्यों? तो उन्होंने बोला पढ़ो। तो मैंने पढ़ा, स्टडी की, तो रियलाइज़ किया कि स्प्रिंग थंडर दरअसल 1976 का एक किसान विद्रोह था, उसको इंटरनेशनल मीडिया ने स्प्रिंग थंडर का नाम दिया था। तो मेरी कहानी में मेरे किरदार जो थे वहाँ एक विद्रोह का एंगल तो था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा ये वहाँ से जोसेफ है जो मेरी कहानी को इस बात को जोड़ के देख रहा है, तो ये ठीक है। तो स्प्रिंग थंडर नाम रखा इसका और फिल्म तो नाम के पीछे तो ये स्टोरी है। और ये है हमारे झारखंड के माइंस और मिनरल्स की कहानी। माइंस और मिनरल्स के नाम पे जो जंगल और जो हमारे पर्यावरण का दोहन हो रहा है, तो ये वहाँ से उपजी हुई कहानी है। फिल्म के नाम के साथ फिल्म नाम से जाना चाहूँगा, झारखंड में यूरेनियम है, उस टाइप की कहानी होती थी यहाँ पर, यूरेनियम है, माइंस है, कोयले खान है, खदान है और काफ़ी लोगों को हनन किया जाता है, लोगों का गरीबों पर हनन किया जाता है, अमीर लोग हनन करके कोयला माइन काम कराते हैं, उस टाइप का बहुत कुछ चलता है, विद्रोह चलता है। स्प्रिंग थंडर देखिए ये फिल्म जो है लोगों के लिए ये माइंस और मिनरल्स की कहानी होगी या झारखंड को। आमतौर पे क्या है, मैं देखता हूँ कि देश दुनिया भर में लोग झारखंड को वो माइंस और मिनरल्स के बतौर, उस स्टेट के बतौर देखते हैं, लेकिन हमारा नज़रिया कुछ अलग रहा है। हम तो वहाँ के बच्चे रहे हैं, हमारा जन्म वहाँ हुआ, हम कैसा समय बीता हमारा, वो बचपन में जब भी कुछ अच्छा लगता तो कैनवास उठा करके जंगल, पहाड़, झरना, हम लोग जा करके पेंटिंग करते, स्केच करते, तो हमारे लिए तो वो प्रकृति है, हमारे लिए तो वो जीवन है। लेकिन ये माइंस और मिनरल्स का जो एंगल है वो जब बाहर वहाँ से निकल के आए, जब BHU में पढ़ाई शुरू की, वहाँ से मुंबई आए, तो समझ में आया कि अच्छा यहाँ के लोग झारखंड को इस तरह से देखते हैं कि अरे खनिज संपदा से परिपूर्ण है और खनिज संपदा से परिपूर्ण है तो उसका एक्सट्रैक्शन का भी मामला बनता है और फिर वो मामला बनता है तो फिर वो नक्सलवाद पे लोग बात करते हैं कि अच्छा झारखंड के लोग नक्सली होते हैं, ऐसा है वैसा है। तो ये सब मामला, मतलब ये पर्सपेक्टिव मैंने लोगों का देखा। एक तो मुंबई की एक मेरी घटना थी, बहुत शुरू शुरू में मुंबई आया था, रात में एक बार एक प्रोड्यूसर जो हमारे यहाँ रह करके ही वो कुछ मतलब मिलना जुलना और कई तरह के काम वगैरह वो कर रहे थे, तो उनके साथ एक बार लेट नाइट उनको बाहर हम लोग छोड़ने निकले तो एक पुलिस वालों के एक समूह ने हम लोगों को रोक लिया और कई तरह की बातचीत, मतलब बहुत रूढ़ होकर के बातचीत वो कर रहे थे। पूछा कहाँ के रहने वाले हो, तो मैंने बोला झारखंड, तो झारखंड बोला तो उस पर और वो ऑफेंसिव हो गया कि अरे अच्छा इसलिए तेवर है, तो मतलब ये क्या बात हुई, झारखंड के लोग हैं तो ये तेवर है का क्या मामला।
तो ये सब चीज़ें हैं ना दिमाग में बैठती जाती रही हैं कि अच्छा झारखंड को लोग इस तरह से लोग देखते हैं, वो इमेज क्या है, क्यों है, इस बात को जब समझना शुरू किया तो अपने शहर जाना, शहर से बाहर आना, महानगरों में आना, फिर अंदर गांव में जाना, फिर वहां से महानगरों में आना, तो बात समझ में आया एक क्लोजली चीज़ों को देखने का, और फिर महानगर से हाँ डिटैच होकर के अपने गांव शहर को देखने का महानगर के लोगों की नज़रों से, तो समझ में आया कि अच्छा चीज़ों को लोग क्यों इस तरह से देख रहे हैं। अब मामला यही है कि अब आपके घर को, आपका आंगन है, आपकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में अगर कुछ बहुमूल्य चीज़ अगर निकल आता है तो आप अपना घर तहस नहस तो नहीं कर देंगे, आपके लिए तो वो आपका घर हुआ ना, तो वो ठीक वैसे ही वो झारखंड को एक प्राकृतिक स्थल के बतौर देखा जाना चाहिए। अगर वो हाँ जंगल और झरनों से और वनस्पतियों से वो परिपूर्ण है तो फिर उसको उस नज़रिए से देखा जाना चाहिए, ना कि ऐसे कि हाँ पेड़ पौधा हटाओ काटो और नीचे से माल निकालो, उस चक्कर में तो बहुत वो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए मुझे मतलब ये कहानी है जो मुझे लगा कि इस बात पे एक अपना नज़रिया रखना चाहिए कि आप झारखंड को जिस तरह से देखते हैं, झारखंड एक्चुअली क्या है, झारखंड की अपनी कहानियाँ क्या हैं, अपना दुख तकलीफ, हाँ हमारा अच्छा बुरा क्या है वो हम बताएंगे। तो ये कहानी एक ज़रूरी काम की तरह किया गया। स्प्रिंग थंडर बनाने में बहुत स्ट्रगल रहा है। अभी क्या है फिल्म वगैरह को लेकर के, पहले तो मैं उस कहानी को लेकर यहाँ मुंबई में लोगों के बीच घूम रहा था, तो आमतौर पे यहाँ पे रियलाइज़ करता है कि आप अपनी कहानी रखिए तो उस आइडिया में लोग अपने अपने आइडियाज़ है जो घुसा देते हैं, हाँ कि अच्छा ऐसा नहीं नहीं इस तरह से सोचो, ऐसा सोचो, ये करो वो करो, और इतनी बातें इतने प्रोसेस में आपको उलझा देते हैं कि मतलब आपका जो ओरिजिनल आइडिया है वो मतलब वो हतोत्साहित हो जाएगा और दम तोड़ देगा। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं ऐसे नहीं, ये अगर मुझे अपनी कहानी कहनी है, एक ओरिजिनल कहानी कहनी है, तो वो ये बाज़ार तो आपको ओरिजिनल कहानी नहीं कहने देगा। तो मेरे पास पैसे थे मुट्ठी भर थोड़े पैसे थे, उन पैसों के साथ और 10-12 टीम के साथ मैं झारखंड निकल गया। वहाँ जा कर के लोकल में कई लोगों को ट्रेन किया, तैयार किया और 40-45 लोगों का एक टीम बनाया और वहाँ पे हम लोगों ने काम शुरू किया। काम के लिए हमारे पास 5D कैमरा, GoPro और एक जूम माइक, तो इतनी ही सहूलियत थी हमारे पास। एडिट के लिए एक iMac मेरे पास था, तो एक बेसिक चीज़ें मेरे पास थी। तो हम लोगों ने काम शुरू किया तो लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों के मिजाज में तो एक लोगों ने जो भी टेलीविज़न पे और बाकी इन्फॉर्मेशन से फिल्मों को जिस तरह से जाना समझाया कि अच्छा सिनेमा मतलब बहुत ह्यूज सेटअप, बहुत तामझाम, बहुत चीज़ें होती हैं उसके बाद फिल्म बनती है, ये लोग क्या कर रहे हैं, तो लोग पहले हंसते भी कि क्या खेल रहे हैं हम लोग। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि इस बीच नेशनल अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों ने सीरियसली लेना शुरू किया और पैसे भी ख़त्म हो गए थे, तो उस दौरान हम लोग हर एक सीन के लिए हम लोग पूरे शहर में घूम जाते थे, हमारी टीम घूम जाती थी, ये चाहिए फर्नीचर चाहिए या कुछ ज़रूरी सामान चाहिए, इस तरह का लुक चाहिए, इस तरह का बंगला चाहिए या जो भी चीज़ें हम लोगों को चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, तो बहुत तरह के लोग थे जो मदद करते थे। और इन सब चीज़ों में आप कहानी से आप जुड़े हुए हैं, आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, आप जंगल पहाड़ बचाने की बात कर रहे हैं, झरनों को बचाने की बात कर रहे हैं, तो काम करने के क्रम में हम
इन सब विषयों पे हम लोग बहुत सक्रियता के साथ एक्टिव भी रहते हैं, सोसाइटी में इन सवालों के साथ मजबूती से खड़े होते हैं। तो इस तरह की स्थितियों में लोग जो ऑलरेडी जो वहाँ पॉलिटिशियन या और तमाम तरह के संगठन थे, वो लोग को समझ में नहीं आता था कि ये इतना सिंसियरली ये लोग कौन है या क्यों इन विषयों पे यहाँ आकर के झारखंड में बात कर रहे हैं। तो हम किसी दल के हैं क्या, कि कोई पॉलिटिकल विंग है क्या हमारा, तो बहुत तरह का कन्फ्यूज़न भी होता है। और इस चक्कर में कई बार आमना सामना मतलब पुलिस प्रशासन से लेकर के कई बार थाना कोर्ट कचहरी कई चीज़ें हुई, हमारे टीम को उठा के जेल में भी डाला गया। तो इन ठीक है, बाद में लोगों ने रियलाइज़ भी किया कि नहीं, ये लोग दरअसल आर्टिस्ट हैं और कुछ बहुत जेन्युइन सवालों के साथ मूव कर रहे हैं। ये दो इसके कारण हैं। मेरे फिल्मों के विजुअल्स अगर लोगों को अच्छे और अपीलिंग लग रहे हैं तो इसका क्रेडिट तो मैं ऐसे देखता हूँ कि एक तो मेरा जो बैकग्राउंड है आर्टिस्ट का, मैं पेंटर और स्कल्प्टर रहा हूँ, फाइन आर्ट्स का बैकग्राउंड रहा है, तो मेरे विजुअल सेंस में वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ग्राफिक सेंस, कंपोजिशन, कलर, इन चीज़ों की एक समझ है। इसके अलावा जो मेरे गुरुजी रहे हैं मिस्टर अशोक मेहता, लेजेंड सिनेमाटोग्राफर ऑफ इंडिया, तो उनके साथ मैंने काम सीखा है, उनसे ट्रेनिंग ली है, उनके साथ मैंने 8 फिल्में की हैं, राजकुमार संतोषी, सुभाष घई, विपुल अमृतलाल साह, रूमी जाफरी, अनीस बजमी, तो इस तरह के इन मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन रहा है, उस टीम के साथ मैंने काम किया है। तो वो डिसिप्लिन काम को एग्जीक्यूट करने का, अगर आपका जो कोई विजुअल सेंस बनता है उसको एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट करने का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, वो मैंने अशोक मेहता से सीखा है। तो ये है मतलब मेरी फिल्मों का कारण, मतलब अगर लोगों को विजुअली अगर ठीक लगती है, हालांकि मैं अपनी फिल्मों का कैमरा खुद नहीं करता, लेकिन मेरे साथ जो लोग भी जुड़े होते हैं मुझे ये पता होता है कि कैसे शूट करना है, कहाँ शूट करना है। तो मेरे साथ अगर अमेच्योर लोग भी हों तो मतलब मुझसे इनसिक्योरिटी किसी को नहीं होगी, बल्कि मुझसे सपोर्ट ही होगा कि हाँ भाई बेहतर करना है तो कैसे। और मैं बहुत चीज़ों पे निर्भर नहीं करता, और जो फिल्म और फ्रेम और मेरी कहानी की रिक्वायरमेंट होती है उसे मैं समझौता नहीं करता। अगर लोकेशन, एक कहानी का लोकेशन यहाँ है, दूसरा लोकेशन अगर 150-200 किलोमीटर दूर है तो मैं उतना दूर जाऊँगा। अगर मुझे एक सीन वहाँ लेना है, वहाँ पर मुझे अगर 3 दिन 4 दिन 8 दिन अगर बिताना है और मुझे वो सीन चाहिए तो मैं वो करूँगा। तो वो एक ज़िद भी है, मुझे पता है कि वो चाहिए, तभी वो फिल्म की तरह लगेगा, तभी वो फिल्म खूबसूरत लगेगी। तो समझौता नहीं करते। हाँ हमारी फिल्म स्प्रिंग थंडर का जो गीत है वो, उसको कंपोज़ किया है द लेजेंड रॉक स्टार, इंडियन लेजेंड रॉक स्टार लेज़ी लुइस ने, और मेघा श्रीराम डाल्टन ने उस गीत को गाया है। और इस गीत के बोल हैं, लिखा है गीत को मेरे मित्र प्रमोद कुमार सिंह उर्फ परिंदा। तो परिंदा का लिखा हुआ गीत है, तो एक शब्दों की ताकत है उसमें, और दूसरा ये है कि कंपोज बहुत बढ़िया हुआ है, और तीसरी बात यह है कि मेघा ने गाया बहुत दमदार है। मेघा, पहले मैं बता दूं कि मेघा इस फिल्म की वन ऑफ द प्रोड्यूसर है, और मेघा मेनली प्लेबैक सिंगर है, और झारखंड की वो ऐसी सिंगर है जिसने पूरे देश भर में, दुनिया भर में झारखंड के ट्राइबल लैंग्वेज को अपने गीतों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया है। और उसमें भी मेघा की खासियत यह है कि वो गांधी गीतों को लेकर के इस पर पूरे देश भर में वो अपने क्षेत्रीय भाषा में गांधी गीतों को गाती है। तो ये मेघा की पहचान है। तो मेघा जहाँ पे झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं को अपने गीतों के माध्यम से देश दुनिया में प्रचारित करती है, वहीं पे वो बॉलीवुड की एक मजबूत और सशक्त आवाज़ है।
और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी उसने बहुत बहुत एक से एक गाना परफॉर्म किया है। कोक स्टूडियो का एक सीज़न फर्स्ट का गाना है, बहुत पॉपुलर चार गीत है, चार गीत का कॉम्पोजिशन है, वो बहुत हिट है, आप लोग सुन सकते हैं। और भी कई गीते हैं, अनुराग कश्यप की फिल्म दैट गर्ल इन येलो बूट और अनवर फिल्म का गीत रहा है, तो बहुत। इसके अलावा मिथुन शर्मा के साथ मिथुन का पहला एक हिट म्यूज़िक वीडियो रहा है, तू ही मेरे रब की तरह है, तो वो पहला गीत जो है उसको भी मेघा ने साथ में गाया है। और मेघा को आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पॉपुलर गीत है, अजय देवगन की फिल्म है शिवाय, उसका गीत है बोलो हर हर, उसमें अघोर मंत्र हाँ महादेव शिव तांडव स्रोत का कुछ अंश मेघा ने गाया है, जो बहुत बहुत हिट रहा है, वो मतलब करीब 20 से 40 करोड़ लोगों ने उसका व्यूअरशिप है। तो मेघा की पहचान, मतलब मेघा किसी पहचान के अभी मोहताज नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हो या? मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों से मुंबई बॉलीवुड की फिल्में जो हैं वो लगातार देश भर में वो लोग एक विवाद का विषय बना हुआ है, यहाँ की फिल्में और मतलब कंटेंट यहाँ का अभी लोगों को ओरिजिनल कंटेंट चाहिए, और ओरिजिनल कंटेंट के साथ हाँ हमारे जैसे लोग मैदान में हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं फ़िल्म करूं, हाँ कुछ अपने तरह के जो मेरा फिल्म का मेरा जो नज़रिया है, जिस तरह की कहानियां मैं कहता हूं, वो कहानी लोग पसंद कर रहे हैं, और लोग कई लोग चाहते हैं कि मैं कुछ नई फिल्में करूं। तो अभी कुछ प्रोजेक्ट लोग के बीच है, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, कई लोग चाहते हैं कि उस काम किया जाए, तो मैं तैयार हूँ कुछ अच्छी कहानियाँ लाने के लिए, कुछ अच्छी कहानियाँ, कुछ अच्छे किरदार, अच्छे विजुअल्स, अच्छे म्यूज़िक, कुछ नई चीज़ें तो हैं। तीन फिल्में हैं हमारी पाइपलाइन में हैं, हाँ एक एक करके बारी बारी से सब आएगा। इसके अलावा एक फिल्म मैंने अभी पिछले कुछ दिन पहले की है, वो फिल्म भी आने वाली है, फिल्म का जब प्रमोशन और रिलीज भी होगी तब उसके बारे में जिक्र करेंगे। तो ये है, एक फिल्म आने वाली है मेरी और तीन फिल्में अभी उस फिल्म का नाम है फिंगर क्रॉस। एक्चुअली फिल्म का पहले नाम काम शुरू हुआ था तो उस फिल्म का नाम था क्रॉस कनेक्शन, लेकिन इस बीच बात आई हमारे प्रोड्यूसर की तरफ से कि फिल्म का नाम फिंगर क्रॉस रखते हैं, तो मैंने बोला चलो ठीक है, आइडिया अच्छा है, तो फिंगर क्रॉस है तो ऐसा देखिए, मेरा पूरा समय जो बीता है ना, मैं मेरी चिंताओं का जो विषय है वो है नेचर, प्रकृति, क्योंकि हम आधुनिकता के इस अंधे दौड़ में लगातार हम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, गगनचुंबी इमारतें और दौड़ती भागती ट्रकें, कारें, चमचमाती मोटरसाइकिल, हाँ और उसके पीछे पागल भागते हुए लोग, गांव अपना गांव जिला जवार छोड़ करके महानगरों की तरफ पलायन करते लोग, तो इन सब के केंद्र में जो मैं कारण देखता हूँ वो है नेचर का डिस्ट्रक्शन। हाँ एक समय था जब गांव के लोग अपने गांव में मतलब सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, आत्मनिर्भर हुआ करते थे, उनके पास अगर अपना पानी है और खेत है तो एक जोड़ी बैल और एक जोड़ी गाय और बछड़ों से उनका पूरा साल भर का बहुत बढ़िया गुजारा होता था, उन किसी की हाँ जी हजूरी उनको नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन आज के डेट में ये है कि बच्चा है जो खेती बाड़ी से टूट चुका है, कट चुका है, और शहरों और महानगरों की तरफ पलायन कर रहा है, क्योंकि एक नया दौर शुरू हुआ है और इस नए दौर में लोग हैं जो भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, और
अब ज़मीन से और ज़मीन से रिश्ता लोगों का ख़त्म होता जा रहा है, तो ये एक डरावनी स्थिति है। तो मेरी तो यही कोशिश है कि सिनेमा के माध्यम से मैं नेचर के प्रति लगाव, प्रेम, जुड़ाव जनता के बीच में मैं एक बीज बो पाऊँ, बीजारोपण कर पाऊँ उनकी सोच में, उनके विचारों में, कि अपने जड़ों से न कटें, अपने गांव, अपने मिट्टी से न कटें, अपने कला संस्कृति संस्कार से हम न कटें और हम उसको सहेजें। भारत है जो गांवों का देश माना जाता रहा है, तो गांव में हमारे इस देश की आत्मा गांव में बसती है। तो मैं यही बोलूँगा कि पर्यावरण को लेकर के सोचें, नहीं तो अभी जो रिसेंट टाइम में हम लोगों ने पूरी दुनिया ने जो महसूस किया है, इस तरह की विपत्ति का आना, मतलब ऑक्सीजन के लिए जो जिस तरह की मारामारी हुई है, इससे बड़ा क्या एग्जांपल होगा। तो ये जो भी हम पर्यावरण को लेकर के जो हमारा जो एक पर्यावरण को लेकर के जो डिटैचमेंट है, वो हम अफेक्ट करेगा हमारे शुद्ध पेयजल पे, पानी पे, हवा पे, और दूसरा तीसरा है टेम्परेचर पे। तो इन चीज़ों को अगर बहुत कूल और एक अच्छा एटमॉस्फेयर रखना है, तो जंगल और पानी का संतुलन, ज़मीन का संतुलन हम लोगों को बना के रखना होगा। तो सब लोगों का दिमाग स्थिर रहेगा, ठंडा रहेगा, काम अच्छा होता रहेगा, जीवन अच्छा चलता रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सेव नेचर, बिकॉज देर इज़ नो प्लानट बी। हुआ यूँ कि जैसे मेरी फिल्म का विषय था जल जंगल ज़मीन, वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड। तो वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड जब फिल्म बना ली, और फिल्म बना करके अलग अलग फेस्टिवल वगैरह, मतलब फिल्म बना ली और फिल्म को मुझे रिलीज करना था, तो कई साथियों ने सजेस्ट किया कि डायरेक्ट फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते, बाज़ार है जो डिमांड और सप्लाई का के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो पहले जनता की तरफ से ज़रूरत होगी तुम्हारे फिल्म की, तब तो तुम्हारी फिल्म की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा। तो मेरी फिल्म का विषय जल जंगल ज़मीन है, और आम जन में ये टर्म्स जो है, ये कॉन्सेप्ट लोग के जिक्र में नहीं है, उनके कॉन्सेसनेस में नहीं है कि वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड जैसे विषय पे बात की जाए। लोगों के बातचीत का विषय तो मोबाइल फ़ोन और कार्स और अच्छा सोफ़ा, अच्छी बिल्डिंग। तो अब उनके दिमाग में वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड चर्चे में लाना था, तो क्या करें, कैसे करें। तो फिल्म फेस्टिवल क्या करता है भाई? तो फिल्म फेस्टिवल है जो आपकी फिल्म को अवार्ड के थ्रू या नॉमिनेशन के थ्रू लोगों के बीच में सेंसिबली चर्चे में लाता है कि नहीं, ये ज़रूरी फिल्म है, इसलिए तो फिल्म है जो फेस्टिवल में मूव कर रही है, चर्चे में आ रही है। तो ये पॉइंट बनाना होता है, मतलब कि आपको मीडिया का अटेंशन चाहिए। तो मीडिया का अटेंशन चाहिए, और मुझे लग रहा था कि मीडिया यूं ही अटेंशन क्या देगी, मतलब मैं निर्भर रहूँगा फिल्म फेस्टिवल पे। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं सिनेमा बनाने में जब मैं निर्भर नहीं हुआ, तो मैं मेरी फिल्म के चर्चा में आने के लिए मैं मीडिया पे भी निर्भर नहीं रहूँगा। मैं गांव-गांव जाऊँगा और एक एक मोहल्ले में जाऊँगा, और वहाँ पे जा करके मैं अपनी फिल्म को चर्चे में लाऊँगा। और उसके लिए मैं 2018 में एक बड़ा सा पत्थर लेकर के, करीब 80-85 किलो का एक पत्थर, और वो साधारण पत्थर नहीं था, वो एक मूर्तिकार के द्वारा बनाया हुआ स्कल्पचर था जो वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड को रिप्रेजेंट करता था, इस आइडिया को रिप्रेजेंट करता था। तो उस आर्टवर्क को मैंने एक ट्रॉली पे, एक रथ मैंने छोटा सा बनाया, और उस रथ पे डाल के सजा करके सुंदर उसको गांव-गांव घूमना मैंने शुरू किया। और जहाँ जहाँ मैं जाता, लोगों के बीच में चर्चा हो गई कि भाई एक आदमी है जो वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड बतिया रहा है और एक पत्थर लेकर के घूम रहा है। और यहाँ टी शर्ट पे प्रिंट कर रखा था जल जंगल ज़मीन हमारा है, वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड, और टी शर्ट के पीछे फिल्म का नाम स्प्रिंग थंडर, और लेकर के घूमते थे। और 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पे हर जगह 10 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी,
500 आदमी, 2000 आदमी, 5000 आदमी, इस तरह से लोग हम लोग का इंतजार करते थे कि भाई धूप में कहाँ भटक रहे हो, क्या कहना है, क्यों क्यों घूम रहे हो। तो लोगों के बीच हम अपनी बात रखते थे और बेसिक आइडिया हमने रखा था फ्री वाटर इंडिया, मतलब इस देश में पानी की खरीद बेच बंद हो, इस ये आइडिया हमने रखा था। अब इस आइडिया पे लोगों की तरफ से बात आती थी कि पानी का खरीद बेच बंद हो क्यों, तब काउंटर लॉजिक हमारा होता था बिकॉज वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड इज़ द फंडामेंटल राइट। तो ये किसी भी जीव जंतु का, जल जंगल जमीन किसी भी जीव जंतु का वो फंडामेंटल राइट है। लेकिन अब ये बाजारवाद के इस दौर में इतना गड़बड़ हो चुका है कि अब तीनों ही चीज़ें हैं जो आपको पैसे से मिलती हैं, तो ये है बड़ी भयावह स्थिति। लेकिन आपके कॉन्शियसनेस में सवाल अभी तक नहीं पहुंचा है। ये सवाल अगर आपके दिमाग में पहुंचता है कि भाई अगर चिड़ियों को पैसे से अगर पानी पीना हो, हाथियों को अगर पैसा दे करके पानी पीना हो, बाघ को अगर पैसा दे करके पानी पीना हो, तो क्या करेगा। वैसे ही अगर यही बात अगर आदमी पे लागू हो जाए तो मतलब ये सोचने वाली बात है। ये मतलब साधारण बात है नहीं, बहुत भयावह स्थिति है। हमारे जनरेशन से पहले के लोगों ने वहाँ पानी के खरीद बेच का कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे जनरेशन में पानी के खरीद बेच का कॉन्सेप्ट आया और अभी का जनरेशन जो हमारे यहाँ के सामने जन्म ले रहा है वो तो यही जानता है कि अच्छा पानी है, जो ये कॉमन बात है, पानी खरीद के पिया जाता है, तो बहुत सहजता से इस बात को ले रहा है। कल को गए मतलब आने वाले जनरेशन को जूझना पड़ेगा इसके लिए। तो हमारे फिल्म का ये जो विषय है, इस विषय के साथ हम देश भर में हम लोगों ने ढेर सारी पदयात्रा की, बहुत बहुत घूमे, लाखों लोगों से मिले, हजारों सभाएं की, और अपने फिल्म को चर्चे में लाया। छोटे छोटे गांव के हम कम्युनिटी मीडिया के बीच में हम गए, हमारा गांव, हमारा सिनेमा गांव-गांव तक पहुंचा हुआ है। मेरा तो हमारी यही कोशिश है कि हम तमाम संसाधन, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, कम्युनिकेशन के जितने भी माध्यम हैं, वो चाहे राइटिंग हो, पेंटिंग हो, कैमरा हो, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, इन सब चीज़ का इस्तेमाल करके हम कहते क्या हैं। तो मुझे लगता है कि अगर नेचर ने मिट्टी से बना है सब कुछ, अगर मिट्टी से बना हुआ ये प्रोडक्ट हमारे रोज़गार का साधन अगर बना है, तो इस रोज़गार के साधन और संसाधन से हम नेचर को पे बैक करें और लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात रखें कि भाई सेव नेचर, इस धरती को बचाएं, संतुलित करें, वाटर फॉरेस्ट एंड लैंड, इसके संतुलन को लेकर के हम सजग हों, अपने बच्चों को सजग करें और इस धरती का दिमाग थोड़ा ठंडा रखें। ये देश बचेगा, ये दुनिया बचेगी, ये धरती बचेगी, तो हमारा आपका अस्तित्व बचेगा। तो जाते जाते मैं यही बोलूँगा, जय जल जंगल जमीन, जय जगत, जय दुनिया।